नमस्कार दोस्तों, आज मैं रेणु वैद आपको शिक्षा मनोविज्ञान का आगे का टॉपिक क्लियर करवाऊंगी। आप जानते हैं कि मैं नव भारती विद्यालय में आपको शिक्षा मनोविज्ञान के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको क्लियर करवाऊंगी। आपने पहले जो टॉपिक्स पढ़े मेरे से उसमें आपने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं। व्यक्तिक भिन्नता पढ़ा था, क्या पढ़ा था? व्यक्तिक भिन्नता। आपने व्यक्तिक भिन्नता में सबसे पहले अर्थ और परिभाषा ये पढ़ा मैंने से, उसके बाद इसकी श्रेणियां पढ़ी, प्रकार पढ़े, श्रेणियां पढ़ी, प्रकार पढ़े, प्रभावित करने वाले कारक ये पढ़ा। उसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा? शैक्षिक उपाय। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे के टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। आपको पता है ये जो व्यक्तिक भिन्नता है अपनी जो फर्स्ट यूनिट है विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए शिक्षा में सरोकार, इसी यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ, परिभाषा, श्रेणियां, प्रकार, प्रभावित करने वाले कारक और शैक्षिक उपाय। इसमें मैंने आपको व्यक्तिक भिन्नता के बारे में बताया था। क्या बताया था व्यक्तिक भिन्नता के बारे में? सुनो, मैंने आपसे कहा था कि व्यक्तिक भिन्नता हर मनुष्य में होती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है या नहीं होता? होता है। हर व्यक्ति में अपनी अलग अलग क्वालिटी होती है। आप ये भी जानते हैं कि जो व्यक्तिक भिन्नता है उसके बारे में स्किनर साहब जो कि महान विद्वान हुए हैं उन्होंने कहा था कि व्यक्तित्व का ऐसा पहलू जिसको नापा जा सके, बस चीज को पकड़ना है। आप एग्जाम में जितनी डेफिनेशन लिखोगे आपके उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। और आपको डेफिनेशन में सबसे पहला और अच्छा फॉर्मूला ये है कीवर्ड्स को पकड़ना, फिर अपनी लैंग्वेज का आप यूज कर सकते हो। स्किनर साहब यही कहते हैं कि व्यक्तित्व का कोई भी पहलू अगर वो मापा जा सके, क्या क्या किया जा सके, मापा जा सके, वही क्या है? वही व्यक्तिक भिन्नता होती है। इसके अलावा मैंने आपको जेम्स ड्रेवर, इसके अलावा एमडी दास, टाइलर, इन सब की परिभाषाएं मैंने आपको पिछली क्लास में दी थी। अब आगे आपने पढ़ा था श्रेणियां कि व्यक्तिक भिन्नता किन किन रूपों में हो सकती है। आपने देखा था शारीरिक, मानसिक, बस अगर शॉर्ट में नोट्स बनाना हो तो यही लिख सकते हो, शारीरिक मानसिक हो गया, संवेगात्मक और सामाजिक। ये चार प्रकार की श्रेणियां जो है वो किसकी होती है? व्यक्तिक भिन्नता की। फिर उसके बाद में पढ़ा था प्रकार। प्रकार में मैंने आपको दो प्रकार बताए थे, इंट्रा और इंटर। ये दो मैंने प्रकार बताए थे और इन्हीं प्रकारों में मैंने आपको बताया था कि किस किस प्रकार की विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। उसमें कई श्रेणियां मैंने आपको बताई थी कि हर बालक दूसरे बालक से मानसिक रूप से भी भिन्न होता है। मानसिक रूप से कैसे? कोई बच्चा प्रभावशाली होता है, कई बच्चे मंद बुद्धि वाले होते हैं, अलग अलग मानसिक योग्यता के बच्चे होते हैं। उसी तरीके से आप जानते हैं अभिवृत्ति का मतलब है कुछ सामाजिक कौशल में अच्छे होते हैं, कुछ लिखने में कौशल अच्छा होता है, कई वाचन में अच्छे होते हैं, कईयों में सृजनात्मक शक्ति अच्छी होती है, रचनात्मक कौशल अधिक होता है। कई बच्चों में अलग अलग, कोई गणित में इंटेलिजेंट होता है, कोई साइंस में इंटेलिजेंट होता है, तो अलग अलग विभिन्नता आपको देखने को मिलती है। हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चा स्पेशल होता है, यही बात कह रहा है आपका व्यक्तिक भिन्नता। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये व्यक्तिक जो भिन्नता है इस व्यक्तिक भिन्नता को कौन कौन प्रभावित करता है। आप जानते हैं आज का जो समाज है उसमें बच्चा सबसे ज्यादा प्रभावित होता है वंशानुक्रम से। आप ये भी जानते हैं जन्म, लिंग, आनुवांशिक लक्षण ये सब परिवार से आते हैं। अगर परिवार का माहौल अच्छा है तो बच्चा ग्रो करता है,
बच्चा आगे जाता है क्योंकि उसको सकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। उसके बाद आप जानते हैं वातावरण, अगर शैक्षिक वातावरण हो चाहे परिवार का वातावरण हो, कैसा भी वातावरण हो, अगर वातावरण अच्छा है तो बच्चा अच्छा ग्रो करेगा, अच्छा पढ़ेगा। उसके बाद भी हमने पढ़े थे कि क्या क्या होना चाहिए, कक्षा के आकार को सीमित रखा जाना चाहिए, इसके अलावा समूहीकरण बनाया जाना चाहिए स्कूलों में, अलग अलग क्वालिटी के लोगों का अलग अलग एक छोटे 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 समूह बनाए जाने चाहिए, इसके अलावा उनकी योग्यता का आकलन किया जाना चाहिए, जिससे भी आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, उनको खोज सकते हो। उसके बाद आप जानते हैं कि हम व्यक्तिगत भिन्नता को, व्यक्तिगत भिन्नता के लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, उसमें ही मैंने आपको पढ़ाया था, 7 पॉइंट्स आपको बताए थे और मैंने कहा था कि आप 7 से 10 पॉइंट कैसे बनाएंगे वो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। तो जिन बच्चों ने कमेंट बॉक्स में नहीं डाला है तो वो इनको 10 पॉइंट बना करके डालेंगे। तो आज ही आपको इन टॉपिक्स को क्लियर करके चलना है, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ, परिभाषा, श्रेणियां, प्रकार, प्रभावित करने वाले कारक और उनके पीछे शैक्षिक उपाय। अब जो अपन पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है कि विशेष आवश्यकता वाले बालक, जिनको मैं अपनी लैंग्वेज में बोल सकती हूँ CWSN, विशेष आवश्यकता वाले बालक। तो विशेष आवश्यकता वाले जो बालक है उनको, विशेष आवश्यकता वाले जो बालक है उनका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, इतिहास में उनको कहां से बात उठी, कहां पर विद्यालय स्थापित किए गए और प्राचीन काल में उनको किन नजरियों से देखा जाता था, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुने, आप जानते हैं कि प्राचीन काल में कैसा व्यवहार होता था। आप प्लेटो और अरस्तु जो कि राजनीतिज्ञ है, प्लेटो और अरस्तु ने कहा कि जो मानसिक व शारीरिक रूप से विकृत है उनको मार देना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि प्लेटो और अरस्तु के काल में विकलांगों के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जाता था। प्राचीन काल में इनको कहा जाता था कि इनको मार देना चाहिए, किनको, जो कि मानसिक और शारीरिक रूप से विकृत है उन सबको मार देना चाहिए। उसके बाद मध्य युग आता है, कौन सा युग आता है, मध्य युग। मध्य युग में इन लोगों को क्या माना जाता है, भूत आत्माएं, क्या माना जाता था, भूत आत्माएं माना जाता था, किनको, जो कि मानसिक व शारीरिक रूप से विकृत होते थे, विशेष आवश्यकता वाले जो बालक थे उनके साथ ऐसा व्यवहार होता था। लेकिन धीरे 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 समय का चक्र बदला और 17वीं और 18वीं शताब्दी में आप जानते हैं फ्रांस की क्रांति आई। कौन सी क्रांति आई, फ्रांस की क्रांति, इसके अलावा अमेरिका की क्रांति। इन दोनों क्रांतियों ने पूरे विश्व को, पूरे विश्व इतिहास को बदल डाला और इन्होंने ऐसे विचार दिए जैसे आप जानते हो स्वतंत्रता, समानता, भागीदारी, ये 3 कीवर्ड्स ऐसे दे दिए जिसने पूरे विश्व को बदल करके रख दिया और यहीं से विकलांगों के लिए भी विशेष शिक्षण सुविधा मुहैया कराने की पहल चल पड़ी। और सबसे पहले किसने किया, अमेरिका ने सबसे पहले इस ओर आगे हाथ बढ़ाया और इसके बाद 1784 में पहला नेत्रहीन विद्यालय कहां खोला गया, फ्रांस में खोला गया। कहां खोला गया बच्चों, फ्रांस में खोला गया। तो आप इनको जो जो मैं छोटे छोटे नोट्स आपको लिखवाई हूं आप कॉपी में लिखते जाए, जब भी आप डिटेल्स पढ़ेंगे ये सब चीजें आपकी क्लियर होती जाएगी। तो आपने क्या पढ़ा कि आपने देखा कि प्लेटो और अरस्तु के काल में मानसिक व शारीरिक रूप से जो विकृत थे उनको कहा जाता था क्या, मार देना चाहिए। मध्य युग में उनको भूत आत्माएं माना जाता था और 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब फ्रांस की क्रांति और अमेरिका की क्रांति आई उसमें 3 कीवर्ड्स उन्होंने दिए,
पहला स्वतंत्रता, दूसरा समानता और तीसरा भागीदारी। तो 1784 में इसी के साथ पहला नेत्रहीन विद्यालय कहां पर खोला गया? फ्रांस में खोला गया। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, किसकी बात करें? हिंदुस्तान की, भारत की बात करें, तो भारत प्राचीन काल से ही, कब? प्राचीन काल में। तो आपने ये भी पढ़ लिया होगा कि 1784 में पहला नेत्रहीन विद्यालय कहां खोला गया? फ्रांस में खोला गया। और अगर हम भारत की बात करें बच्चों, तो भारत में पहला स्वर्णहीन विद्यालय खोला गया बंबई में। कहां पर खोला गया बच्चों? बंबई में खोला गया 1885 में। और नेत्रहीन जो विद्यालय खोला गया वो कहां पर खोला गया? नेत्रहीन विद्यालय खोला गया 1887 में देहरादून में खोला गया। अंधों के लिए जो विद्यालय है वो कहां पर खोला गया? देहरादून में खोला गया। और आज भी विकलांगों के लिए जो केंद्रीय विद्यालय है वो कहां पर है? देहरादून। वैसे मैं आपको बता दूं, जो मैं विकलांग शब्द यूज कर रही हूं वो सही नहीं है। आज हम इन विकलांगों को दिव्यांग कहते हैं, तो अब जब से मैं इस वीडियो में बोलूंगी तो विकलांग शब्द यूज नहीं करूंगी, मैं एक ही शब्द यूज करूंगी, दिव्यांग। वो दिव्य अंग है, दिव्यांग है, ईश्वर का एक वरदान है। उनमें एक विकृति दी है तो दूसरी उनको एक नया ज्ञान भी दिया है। आप सबने ये बात स्वीकार करी होगी कि जो बच्चा हाथ नहीं होता या पैर नहीं होता उनको ईश्वर एक विशेष ज्ञान देता है। आपने अरुणिमा सिन्हा का नाम भी सुना होगा। अरुणिमा सिन्हा जो कि विकलांग होकर भी माउंट एवरेस्ट को उन्होंने फतह कर लिया था। तो बच्चों, विकलांग बच्चे आज क्या नहीं कर सकते, वो सब कुछ कर सकते हैं। और बीएड शिक्षाधारी होने के नाते अगर आपकी कक्षा में ऐसा कोई एनवायरमेंट है, ऐसा कोई विकलांग बच्चा है, तो उसको समुचित वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसीलिए हम इस ऐतिहासिक और समकालीन प्रवृत्तियों को देख रहे हैं। अब बात आई गई तो मैं अरुणिमा सिन्हा की बात आपको बताती हूँ। आपको पता है 2011 में जब चलती ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली आ रही थी, तभी उनकी चलती ट्रेन से उनको टीटी के द्वारा फेंक दिया गया। 49 ट्रेनें उनके ऊपर से गुजर गई, लेकिन गुजरने के बाद उसका एक पैर पूरी तरीके से जा चुका था और दूसरे पैर की हड्डियां चूर चूर हो गई थी। तो बच्चों, लेकिन इस बच्ची के मन में एक ही तमन्ना थी, वो थी जीने की ललक। उस जीने की ललक ने उसको एक ठेले वाला जो रिक्शा आता है उससे पहुंचा दिया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में एनीथीसिया नहीं होने के बावजूद भी डॉक्टरों का सवाल यही रहा कि इस बच्ची का पैर कैसे काटे। लेकिन उस बच्ची का जज्बा देखिए कि उस बच्ची ने यही कहा कि आप मेरा पैर काटिए, जब मैं 14 या 20 घंटे उस दर्द से नहीं घबराई तो डॉक्टर साहब आप तो मेरे अच्छे के लिए मेरा पैर काट रहे हैं। उस डॉक्टर ने उस बच्ची के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। अब हॉस्पिटल में ही कई नेगेटिव विचार, कई सामाजिक धारणाएं, ये सब उनके माइंड में चल रही थी। क्योंकि हम जानते हैं कि आज भी हमारा समाज कहीं न कहीं विकलांगों को क्या समझता है, विकलांगों को आज भी समाज से अलग दृष्टिकोण से देख रहा है। नकारात्मक दृष्टिकोण वाले कई लोग उनको ये कहा, कई ऐसे विचार उनके मन में डाले ताकि नकारात्मक विचार अरुणिमा के दिमाग में छा जाए। लेकिन अरुणिमा ने इन सब विचारों को अलग रख के अपना एक लक्ष्य बनाया और कहा कि मैं आज इस पोजिशन में हूं, इसी पोजिशन में ऐसा दुर्गम काम करूंगी जिस जो किसी ने भी नहीं किया। उसी समय अरुणिमा ने क्या करा, अरुणिमा ने अपना एक लक्ष्य बनाया कि मैं माउंट एवरेस्ट को फतेह करूंगी। कुछ दिनों बाद भाई जब उसके साथ था तो और बाकी लोग भी फैमिली वाले आते थे, तो उन्होंने कहा, अरुणिमा तुम क्या कर रही हो, तुम मजाक कर रही हो, तुम्हारा एक पैर जा चुका है, एक पैर पूरी तरीके से टूट चुका है, रॉड डली हुई है, उसके बावजूद तुम कह रही हो माउंट एवरेस्ट फतेह कर लोगी। तो उन सब ने उनका मजाक उड़ाया, और मजाक उड़ाना गलत नहीं था क्योंकि उस टाइम अरुणिमा की हालत
खराब थी, लेकिन एक ऐसा इंसान था उसका भाई जिसने कहा कि अगर तेरे मन में जुनून है तो तू इस काम को जरूर कर देगी अरुणिमा, तू आगे बढ़। इसके बाद अरुणिमा के दिल और दिमाग में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने की बात चल रही थी और वो मिलती है बचेंद्री पाल से। बचेंद्री पाल के पास जब जाती है तो बचेंद्री पाल ने एक ही वर्ड कहती है कि जब तेरे दोनों पैर कटे हुए हैं उसके बावजूद अगर तू माउंट एवरेस्ट फतेह पार करना चाहती है तो आज से मान ले तू पार कर चुकी है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर हमने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है और दृढ़ निश्चय है तो आपने उस लक्ष्य को पा लिया, बस दुनिया को दिखाने की जरूरत थी। अरुणिमा ने काफी राय रोड़े सब आते गए, जब वो चलती थी तो लोग उसकी मजाक उड़ाते थे कि ये कहां माउंट एवरेस्ट पार कर पाएगी जो चल नहीं पा रही है ढंग से। लेकिन धीरे धीरे 2-3 साल तक अरुणिमा ने बचेंद्री पाल के सानिध्य में क्या ली, ट्रेनिंग ली, और ट्रेनिंग के साथ ही जो सामान्य बच्चे थे वो उसकी मजाक उड़ाते थे। तो आज मैं इस अरुणिमा और बचेंद्री पाल का एग्जाम्पल जो आप लोगों के सामने दे रही हूँ बच्चों, वो एक आप ये मत समझना कि मैडम कहानी सुना रही है, ये आप लोगों को इसलिए जरूरत है कि आप आगामी शिक्षक बनने वाले हैं और एक शिक्षक होने के नाते आपकी कक्षा में अलग अलग आवश्यकता वाले बच्चे बैठेंगे। आपको उनकी मजाक नहीं उड़ा करके उनके लक्ष्य को आगे बढ़ाने में आपको बचेंद्री पाल बनना है, आपको बचेंद्री पाल बनना है। और बचेंद्री पाल बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस बीएड शिक्षण में जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। अब सुनो आगे अरुणिमा सिन्हा क्या कहती है। अरुणिमा सिन्हा ने सोच लिया था, कई रोड़े कई लाशें, माउंट एवरेस्ट की लाशों को देखकर वो सोचती कि मैं कहां माउंट एवरेस्ट पार कर पाऊंगी, लेकिन दृढ़ निश्चय और लक्ष्य ने अरुणिमा को आगे बढ़ाया। और शेरपा जो उसके साथ था उसने कहा कि अरुणिमा तू रहने दे, तू माउंट एवरेस्ट को पार नहीं कर पाएगी। लेकिन अरुणिमा ने कैसे न कैसे शेरपा को तैयार किया और दोनों ने आगे बढ़े। जब आइसलैंड एक जो जगह आती है जो कि एक डेड पॉइंट माना जाता है, वहां पर आकर के उसका पैर फंस जाता है, फिर भी अरुणिमा घबराती नहीं है, अरुणिमा आगे बढ़ती है। जहां जहां उसने पैर रखे खूनों की जो निशान है वो पड़ रहे थे, लेकिन अरुणिमा का जो लक्ष्य था उसने पाकर रहा और घाव सहती रही। और अरुणिमा सिन्हा ने बतला दिया पूरे समाज को कि विकलांग होने के बावजूद भी वो किसी से कम नहीं है। तो अगर विकलांगों को अच्छा वातावरण प्रदान किया जाए, अच्छा उनके साथ में सकारात्मक विशेष उपकरण उपलब्ध करवाया जाए तो विकलांग बच्चा या दिव्यांग बच्चा कुछ भी कर सकता है। ये अरुणिमा सिन्हा ने सिद्ध कर दिया, ये आपको मैं आगे पढ़ाऊंगी भी, आएगा भी अपने टॉपिक। तो अरुणिमा सिन्हा के एग्जाम्पल से आपने समझा कि विकलांग बच्चा किसी से कम नहीं होता, लेकिन प्लेटो और अरस्तु ने विकलांगों के साथ जो बात कही वो बहुत ही गलत साबित होती है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अशोक के काल में, किसके काल में, अशोक के काल में, भारत में जो अशोक सम्राट हुए उसने कहा कि जो विकलांग बच्चे हैं मानसिक रूप से मंद हैं उनके लिए रैन बसेरा बनाया जाना चाहिए, आवास गृह भी उसने बनवाए। तो हमारे भारत में कुछ ऐसे शासक हुए जिन्होंने इनके लिए विशेष कार्य किया, लेकिन स्वतंत्रता से पहले भारत में इतनी सुविधाएं नहीं थी कि विकलांगों के लिए विशेष प्रयास किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो केवल कुछ मानव समाज सेवाएं ही इसके लिए कार्य कर रही थी। लेकिन अगर हम विश्व इतिहास को देखें तो सबसे पहले मान के चलना 17वीं शताब्दी में डेकार्ते ने, इसने डेकार्ते लिख लेना, लिख लो आप चाहे तो, डेकार्ते ने लिखने की पद्धति का विकास किया। किसका विकास किया बच्चों, लिखने की पद्धति का विकास, ठीक है। इसके बाद जो है एक लियोन मॉश ने मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की शिक्षा प्रारंभ की, इसने लियोन मॉश। इसके बाद आता है इटार्ड, कौन आता है बच्चों,
इटार्ड, इटार्ड ने क्या करा, इटार्ड ने एक बच्चे पर परीक्षण किया, इस पर परीक्षण किया, बच्चे पर परीक्षण किया और समझा कि जो एक जंगल में रहने वाला बच्चा है उसको एक मानव बना दिया। तब इटार्ड ने कहा कि मानसिक रूप से कोई भी विकृति हो अगर हम उसे उचित वातावरण और सकारात्मक दृष्टिकोण उपलब्ध करवाए तो उस बच्चे को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। ये सब किसने कहा, इटार्ड ने। तो ये तीन चीजें आपको लर्न रखनी है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कि 17वीं शताब्दी में डेकार्ट ने लिखने की पद्धति का विकास किया, लियोन मॉस ने मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को शिक्षा प्रदान की, इसके अलावा इटार्ड ने बच्चों पर क्या किया, परीक्षण किया। किसने, इटार्ड ने बच्चों पर परीक्षण किया और कहा कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को भी शिक्षा दी जा सकती है। उसके बाद अगर हम इटार्ड की बात करें बच्चों, तो 19वीं शताब्दी में आपको पता है 1929 में, कब है 1929 में, तो आपने पहले क्या पढ़ा था, स्वर्णहीन कहां पर, बंबई में, कब 1885 में, नेत्रहीन देहरादून में 1987 में, ये लिख लिया तो आप लिख लेना, मैं ऊपर लिख देती हूँ थोड़ा सा, आप लिख लो, ये पॉइंट्स आपके काम आएंगे लर्न करने के साथ। 17वीं शताब्दी में डेकार्ट ने लिखने की पद्धति का विकास किया, लियोन मॉस ने मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की शिक्षा को प्रारंभ किया और इटार्ड ने बच्चों पर क्या किया, परीक्षण किया। आगे देखिए 1929 में सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेल, कौन है, ब्रेल साहब जो कि स्वयं क्या थे, अंधे, इन्होंने ब्रेल लिपि का क्या किया बेटा, ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किया और इस ब्रेल लिपि के आने के बाद ही 1951 में यूनेस्को ने, यूनेस्को का नाम तो सुना है, सुना नहीं सुना, यूनेस्को, यूनेस्को जो कि यूएनओ की संस्था है, आपने पढ़ा भी होगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, जो कि विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए एक सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसकी स्थापना हुई थी यूएनओ की। उसके बाद देखिए बच्चों, और इसी यूएनओ की जो संस्था है वो है यूनेस्को। ये जो यूनेस्को है, ये यूनेस्को क्या करता है, ये यूनेस्को करता है एजुकेशन, साइंस और चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस के लिए साइंस के शैक्षणिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली संस्था है यूनेस्को। तो समझ आया यूनेस्को क्या है, यूनेस्को यूएनओ की एक संस्था है और इसी संस्था ने 1951 में कहा कि जो ब्रेल लिपि है उसके आधार पर ही, ब्रेल लिपि के आधार पर प्रष्टांकन किया जाना चाहिए ताकि सामान्य बालकों के साथ साथ जो अंधे हैं वो भी क्या कर सके, उस ब्रेल लिपि से अध्ययन कर सके, उन अक्षरों को पहचान सके। तो 1951 में यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में यही कहा कि जो ब्रेल लिपि है उसके आधार पर प्रष्टांकन किया जाना चाहिए। तो आपने देखा कि काफी प्रयास धीरे 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 विश्व में बढ़ रहे थे, प्रयास किए जा रहे थे और इन्हीं प्रयासों का परिणाम रहा कि 19वीं शताब्दी में या 20वीं शताब्दी मान लो, 1900 से लेकर के अब तक का जो इतिहास है उसमें विशिष्ट कक्षाओं का युग प्रारंभ हो गया, विशिष्ट कक्षाओं का युग प्रारंभ हो गया और पूरे वर्ल्ड में विकलांगों के लिए विशिष्ट कक्षाओं का युग, ये कब से स्टार्ट हो गया, 1900 से, कब से स्टार्ट हो गया, 1900 से स्टार्ट हो गया, मतलब 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में विशिष्ट कक्षाओं का युग प्रारंभ हो गया। और आपको मैंने बताया भी था कि 1784 में पेरिस में पहला नेत्रहीन विद्यालय खोला गया, कहां पर, पेरिस में पहला नेत्रहीन विद्यालय खोला गया। और भारत की अगर हम बात करें बच्चों, तो भारत में आपने पढ़ ही लिया स्वर्णहीन विद्यालय की बात करें तो बंबई में खोला गया, कहां पर खोला गया, बंबई में खोला गया।
और नेत्रहीनों की बात करें तो नेत्रहीनों के लिए खोला गया कहां पर, देहरादून में खोला गया। कहां पर खोला गया बच्चों, देहरादून में खोला गया। स्वर्णहीनों के लिए कहां पर खोला गया, बंबई में खोला गया। और नेत्रहीनों के लिए कहां पर खोला गया, देहरादून में खोला गया 1885 और 1887 में ये विद्यालय खोले गए। धीरे 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 हमारे देश में भी विद्यालयों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। अब हम पढ़ेंगे कि जो ये विशिष्ट कक्षाओं का युग है या विकलांगों के लिए हमारे भारत में स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए, भारत में विकलांगों की शिक्षा के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, तो वो देखो। अब तो आप समझ में आ गए कि 1784 में पेरिस में नेत्रहीन विद्यालय और स्वर्णहीन भारत में बंबई में 1885 लिख लेना इसको, नेत्रहीनों के लिए देहरादून में 1887 में। अब जो अपना टॉपिक है बच्चों वो है क्या, क्या है भारत में विकलांगों की, भारत में विकलांगों की शिक्षा, भारत में विकलांगों की शिक्षा की बात करें बेटा हो तो दो भागों में इसको बांट सकते हैं। पहला है स्वतंत्रता से पूर्व और सेकंड है आपका स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता से पूर्व अगर भारत में विकलांगों की स्थिति की अगर हम बात करें तो बच्चों ध्यान से रखना, स्वतंत्रता से पहले कोई भी शिक्षण संस्थाएं, कोई भी शिक्षण संस्थाएं ये ज्यादा कार्य नहीं करती थी। मुश्किल से 30 विद्यालय स्वर्णहीनों के लिए थे, नेत्रहीनों के लिए 32 विद्यालय थे, जो ये क्या बोलते हैं जिनके वो चलता कोड, उनके केवल 3 मात्र विद्यालय थे, बहुत ही कम विद्यालय भारत में थे। और ज्यादातर विकलांगों के लिए जो प्रयास किए वो जो भी समाज संस्थाएं थी उनने प्रयास किए, स्वतंत्रता से पहले भारत में ऐसा कोई भी प्रयास अच्छा नहीं था। केवल सार्जेंट रिपोर्ट जो कि ब्रिटिश काल में आई, सार्जेंट रिपोर्ट में जरूर विकलांगों के लिए कहा गया कि विकलांगों की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। 1944 में जो सार्जेंट रिपोर्ट आई उसमें ये बात कही गई थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में कई परिवर्तन आए तो वो ध्यान से देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में क्या हुआ, अंधे बालकों की शिक्षा क्या हुई बच्चों, अंधे बालकों की शिक्षा। और अंधे बालकों की शिक्षा के लिए देहरादून में एक विद्यालय खोला गया। कहां पर खोला गया बच्चों, अंधे बालकों के लिए देहरादून में एक विद्यालय खोला गया। और इसी देहरादून में मुद्रण विभाग है, पुस्तकालय विभाग है। धीरे 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 इस देहरादून विद्यालय को केंद्रीय विद्यालय का दर्जा भी दे दिया गया। उसके बाद नेत्रहीन जो स्त्री शिक्षा विभाग था, इसमें नेत्रहीन स्त्री शिक्षा विभाग, नेत्रहीन स्त्री शिक्षा विभाग को भी इसके अंडर में कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद अंधे बालकों की शिक्षा की व्यवस्था हुई। आप जानते हैं समाज कल्याण बोर्ड, समाज कल्याण बोर्ड, इस समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई 1952 में। ये समाज कल्याण बोर्ड क्या करता है, विकलांगों के दृष्टिकोण में ध्यान में रखे हुए व्यावसायिक व शैक्षणिक, व्यावसायिक और जो शैक्षणिक समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण करता है। तो समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई, 1952 में। इसी के साथ मानव कल्याण बोर्ड आया, कौन सा बोर्ड आया, मानव कल्याण बोर्ड। ये मानव कल्याण बोर्ड जिसकी स्थापना 1953 में हुई, समाज कल्याण बोर्ड, मानव कल्याण बोर्ड और अंधे बालकों की जो शिक्षा की व्यवस्था थी ये भारत में विकलांगों की स्थिति को सुधारने का बहुत ही अच्छा जरिया बनी। इसके बाद में भी कई है, जैसे मानव कल्याण बोर्ड के बाद में आप देखेंगे कि एनसीईआरटी ने भी इसके लिए प्रयास किए, कई प्रयास किए। तो हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम विकलांगों की शिक्षा के लिए भारत में
स्वतंत्रता के बाद कौन कौन से प्रयास हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। आज आपको व्यक्तिक भिन्नता, अर्थ, परिभाषा, इनके बारे में डिटेल से पढ़ना है। और आपको मैंने बताया था शैक्षिक उपाय, उनके बारे में कमेंट बॉक्स में तीन जो उपाय मैंने आपको बताए हैं वो आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और आपको जो चीज समझ में नहीं आई वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी, आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। मैं नव भारती परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका विकलांगों की शिक्षा, वो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।